नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सोनिया रघुवंशी। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में सपा के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी अलीगढ़ को मतगणना से संबंधित दिया ज्ञापन। देखिए, काउंटिंग से रिलेटेड बड़ा अहम 5 बिंदु थे हमारे। जिलाधिकारी और जिला रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया और उसकी कॉपी हमने चुनाव आयोग दिल्ली, चुनाव आयोग लखनऊ को भी फैक्सरी और मेल से भेज दी है। बड़ा स्पष्ट हमारा मत है कि चुनाव में पारदर्शिता का रहना आम जनता के विश्वास के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास रहे। उसमें हमने पहली मांग की है कि प्रत्येक विधानसभा की मतगणना में जो 14 टेबल लगेंगे, जब पूरी की पूरी 14 टेबल एक चक्र की कंप्लीट हो जाए तब दूसरा चक्र का प्रारंभ किया जाए, जिससे बीच में कोई घपला ना हो सके। नंबर 2 यह है कि जहाँ से स्ट्रांग रूम से मशीनें निकलती हैं वहाँ पीछे से गड़बड़ हो जाती है अक्सर, वहाँ हम लोगों को एक एजेंट को बैठने की अनुमति दी जाए। नंबर 3 यह है कि जहाँ टेबुलेशन पर सेंटर टेबल पर वो फीड किया जाता है वहाँ हमें एक दो आदमी बैठने के लिए पास इशू किए जाएँ। ऐसे ही हमारी एयर टेबल पर होना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक उसकी अनाउंसमेंट भी तब होनी चाहिए जब 5 का हम संतुष्ट हो जाएँ, 10 का हो जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें दी हैं हमने। और कभी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, कैंडिडेट हैं, हम नशे कोई और सही ओल्ड एज के हैं, हम भी बीच में ही आ गए हैं, तो उन्हें वहाँ तक जाने आने के लिए वो सुविधा दी जाए, वाहन आदि की और भी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि इसमें संविदा कर्मी कोई भी ड्यूटी पे न लगाया जाए, परमानेंट नौकरी वाले लगाए जाए। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सेंटर टेबलों पर हमें अनुमति दिए, हम तो चाहेंगे कि उसमें सीए वगैरह लगाए जाएँ या बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगेगी तो वो तो मतगणना माहिर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डीएम साहब को दी, चुनाव आयोग को दिल्ली लखनऊ दे दिए हैं और इनकी हमने मांग की है। जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम आचार संहिता की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें मानेंगे और कोई अन्यथा कहीं आवश्यकता होगी तो उसको देखेंगे। क्या मानते हैं सांसद जी, आपको कहीं आशंका सता रही है इस बात को लेकर? हमें नहीं सता रही है, हमारी जनता को। चूँकि अलीगढ़ में चुनाव मेरा नहीं हुआ है, जन आंदोलन हुआ है। 36 बरादरी सातोजात हिंदू मुसलमानों ने यहाँ भाजपा और कैंडिडेट को हराओ अभियान किया है। उनके दिल में ये शंका सता रही है गांव मन में, क्योंकि भाजपा के नेता और सांसद और उनके तमाम एमएलए ये कहते घूम रहे हैं वोट से सलाह हमारा एक न पड़ा हो और जीतेंगे हम ही। ये कौन सा जादू इनके पास में है जो इस तरीके की बात करते हैं? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज ही कह रहा हूँ, मैं तो मतगणना कर्मियों को भी इस तरीके से अन्न बिनय के साथ कह देना चाहता हूँ, जनता का करो और मरो का आंदोलन है। 1% भी किसी ने कहीं हाथ हिलाने की गलत कोशिश की तो जनता खा जाएगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जनता कह रही है और यही मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ कि हम प्राण त्याग सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हम। जनता लाखों की भीड़ में आने के भी चांसेज हो रहे हैं, गांवन में लोग अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं, मेटाडोर बसों से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को, जनता आ गई तो मैं थोड़ी भगा दूंगा, लेकिन पूरी जनता का प्रेशर मतगणना पर रहेगा, क्योंकि ये मतगणना जनता की है। विजेंद्र सिंह तो छोटी चीज है, बहुत बहुत शक है। देखो यार, हमको डीएम पे प्रशासन पे शक नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना चाचाओं का दिल्ली लखनऊ, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसमें पहले मैं एक बार 2009 में उसे भोग चुका हूँ, इसीलिए भाई दूध का जला मटा फूक के पीता है। मैं एक एक कदम गिन गिन के रख रहा हूँ और इन तमाम पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से प्रेस के चौथे स्तंभ में सम्मान के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि कसम है हमारी और अन्याय की, हमें न्याय दिलाने की कोशिश करो। आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ और चुनाव आयोग से भी निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे इस 5 बिंदुओं पर गौर फरमाएं और जिला रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी को निर्देशित करें, जिससे कि
मतगणना पारदर्शी और आचार संहिता के अनुरूप हो सके, जनता के भावनाओं का कद्र हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। धन्यवाद। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।